हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है एंड मैं हमेशा की तरह फिर से एक TWS का रिव्यू लेके आया हूँ। तो आज मैं बात करूंगा नॉइस की तरफ से आने वाले बर्ड्स प्ले के बारे में। ये ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स आपको ऐसे नॉर्मली 3400 रुपए के आसपास मिलते हैं और सेल के टाइम में आपको 2999 में भी मिल जाते हैं। ये तो देखा जाए तो 3000 तक का प्रोडक्ट है और ये आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसका माइक कैसा है, म्यूजिक क्वालिटी कैसी है, गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है, सब मैं आपको बता दूंगा। उसमें आप जल्दी से पहले इसके अनबॉक्सिंग एंड बिल्कुल देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कैसे हैं ये। और अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये बॉक्स कुछ इस तरह से मिलता है, फीचर्स स्पेसिफिकेशन नजर आ जाती है आपको, नीचे आपको इसका प्राइस वगैरह, इम्पोर्ट कहाँ से हुआ वगैरह सब मेंशन नजर आ जाता है। अगर इसे आप ओपन करते हो तो किसी इस तरह से ओपन होता है बॉक्स, देखिए कुछ इस तरह से दिखता है आपको अंदर। ये है एक्सेसरी बॉक्स, इसमें आपको एक्सेसरीज और मैनुअल्स मिलते हैं, गेटिंग स्टार्टेड गाइड मिलेगा, तो ये भी गेटिंग स्टार्टेड गाइड है तो आप देख रहे होंगे। और आपको मैनुअल मिलता है जिसपे पेयरिंग कंट्रोल्स और स्पेसिफिकेशंस वगैरह नजर आ जाते हैं, आप देख रहे होंगे स्पेसिफिकेशंस नजर आ रहे हैं यहाँ पर, बाकी हर तरह के कंट्रोल्स क्या है क्या नहीं सब आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, वॉल्यूम डाउन कैसे करनी है, कंट्रोल्स सब कुछ है इस पे। इसके बाद आपको ये ईयर टिप्स मिल जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा, एक टाइप सी यूएसबी केबल मिलता है। अब अगर आप अपना केस को देखते हैं तो केस कुछ इस तरह से को मिलता है, फिनिशिंग तो अच्छी दिख रही है, पीछे आपको एक बटन मिलता है, नॉइस की ब्रांडिंग मिलती है, ऊपर लोगो है, पीछे नॉइस लिखा हुआ है, और ये मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक केस है देखिए। और केस के अंदर आपको एलईडी इंडिकेटर मिलता है, बाहर आपको कोई एलईडी इंडिकेटर नहीं मिलता है, और बर्ड्स भी मैग्नेटिक है। बर्ड्स देखिए कुछ इस तरह दिखते हैं आपको, स्टेम वाला डिजाइन है, इन ईयर डिजाइन है ये। और बर्ड्स के ऊपर आपको एक कैपेसिटिव सेंसर मिलता है और देखिए मेश भी मिलती है जो इसको क्लीन रखती है, और आपको नॉइस की लोगों की ब्रांडिंग मिल जाती है, और देखिए लेफ्ट राइट लिखा हुआ मेंशन नजर आ जाता है। तो देखिए बर्ड्स इस तरह दिखते हैं, अगेन प्लास्टिक बिल्ड है, केस और बर्ड्स दोनों प्लास्टिक बिल्ड है, बिल्ड ठीक ठाक है बर्ड्स के हिसाब से। देखिए दोनों बर्ड्स इस तरह से दिखते हैं, दोनों में आपको टच कंट्रोल्स मिलते हैं, टच सेंसर्स है दोनों बर्ड्स में, दो दो माइक्स है दोनों बर्ड्स में, क्वाड माइक्स, देखिए मेश दोनों बर्ड्स में आपको नजर आ रही है जो कि डस्ट से प्रोटेक्ट करती है इनके ड्राइवर्स को, और थोड़े शाइनी फिनिश होते हैं, मिरर फिनिश है बर्ड्स की, तो थोड़े स्क्रैचेस होने के चांसेस रहेंगे इस पे। अगेन ये भी मैग्नेटिक है तो आपके केस मैग्नेटिकली अटैच हो जाते हैं, केस भी मैग्नेटिकली लॉक हो जाता है, आप देख रहे होंगे। देखिए एलईडी इंडिकेटर आपको अंदर दिख रहा होगा केस के, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है। तो ये था इनका अनबॉक्सिंग एंड बिल्ड क्वालिटी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसके अनबॉक्सिंग एंड बिल्ड क्वालिटी देख ली, आपने देखा कि बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है इसकी, प्राइस के हिसाब से जस्टिफाइड है बिल्ड क्वालिटी इसकी। और अगर बात करते हैं कंट्रोल्स की, तो मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी बिल्ड क्वालिटी के टाइम में कि दोनों बर्ड्स में टच सेंसर्स प्रेजेंट है, मीन्स आपको टच कंट्रोल्स यहाँ मिलते हैं, और मैं देखें कि टच कंट्रोल्स भी अच्छा काम करते हैं, प्लस आपको इनमें इनबिल्ट वॉल्यूम कंट्रोल भी मिलता है, दैट मींस आप बर्ड से भी वॉल्यूम कंट्रोल कर सकोगे अपने डिवाइस की। तो कनेक्टिविटी में आपको यहाँ मिलता है ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट, तो मैंने देखा है कि 10 मीटर तक कोई इश्यूज नहीं आ रहे थे। इंडिविजुअल मोनो मोड मिल जाता है, दोनों बर्ड्स एज अ सिंगल मोनो बर्ड काम करते हैं, और आपको यहाँ डुअल पेयरिंग का सपोर्ट नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो पहला एक्स्ट्रा फीचर आपको यहाँ मिलता है कि इसमें आपको ओपन एंड कनेक्ट फीचर का सपोर्ट है, दैट मींस आप केस को अगर ओपन करते हो तो ये पेयरिंग मोड में चल जाते हैं, और ये अगर ऑलरेडी पेयर थे किसी डिवाइस के साथ तो ये कनेक्ट हो जाते हैं, दैट मींस आपको बर्ड्स को निकालने की जरूरत नहीं है, जब तक आप निकालोगे तब तक ऑलरेडी कनेक्ट हो जाएंगे डिवाइस के साथ, तो ये एक अच्छा फीचर मिलता है। दूसरा आपको इनमें गूगल का फास्ट पेयरिंग सपोर्ट मिलता है, दैट मींस आप अगर बर्ड्स को किसी भी लेटेस्ट डिवाइस जिसमें एंड्रॉइड 6 से ऊपर है उसके सामने अगर लेके जाते हो और पेयरिंग मोड में रहता है ईयरफोन्स, तो वो आपके डिवाइस पर ऑटोमेटिक पॉपअप आएगा जो कि गूगल का फास्ट पेयरिंग पॉपअप रहेगा, आप डायरेक्टली वहीं से कनेक्ट कर पाओगे, आपको ज्यादा सेटिंग्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनमें आपको वेयर डिटेक्शन सेंसर भी मिलता है, दैट मींस दोनों बर्ड्स में एक सेंसर प्रेजेंट है जो कि कैपेसिटिव सेंसर है, अगर आप इन्हें वेयर करते हो तो आपके अगर म्यूजिक प्ले हो रही है तो आप जैसे ईयर्स निकालोगे तो ऑटोमेटिक पॉज हो जाएगी म्यूजिक, और जैसे वापस लगाओगे प्ले होने लग जाएगी, तो ये कंट्रोल आपको मिल जाता है। बात करते हैं अगर वाटरप्रूफ की, तो ये IPX4 सर्टिफाइड है, तो यहाँ मुझे लगा कि थोड़ा सा नॉइस को थोड़ा अच्छा काम करना चाहिए था, IPX4 की रेटिंग मुझे थोड़ी कम लगी। आप इन्हें जिम जॉगिंग में यूज कर सकते हो लेकिन हेवी रेन में थोड़ा रिस्क है इन्हें। बैटरी कैपेसिटीज की अगर बात करें तो बर्ड्स में जो इनबिल्ट बैटरी वो कहीं मेंशन नहीं थी कितनी कैपेसिटी है उनकी, लेकिन केस के अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो 450 mAh की, तो बैटरी साइज तो केस का अच्छा है। अगर बात करते हैं म्यूजिक टाइम की, तो कंपनी ने जो रेट किया उन्होंने बताया कि एक बार बर्ड्स फुल चार्ज होकर 5 घंटे लगातार चलते हैं और केस के थ्रू 20 घंटे और मिल जाता है, इस तरह से टोटल 25 घंटे का म्यूजिक टाइम बुलाया है नॉइज ने। और मैंने अपने टेस्टिंग में जब मैंने यूज किया, मैंने 100% वॉल्यूम मैंने टेस्ट किया था, तो ये 4 घंटे तक लगातार चले थे फुल चार्ज होने के बाद। अगर बात करते हैं चार्जिंग की, तो यहाँ नॉइज ने इस पे आपको टाइप सी का सपोर्ट दिया है, तो यहाँ भी कोई कंप्लेंट्स नहीं, आप किसी भी लेटेस्ट फोन के चार्जर से नहीं चार्ज कर पाओगे, बस ध्यान रखिएगा आपका जो चार्जर 5 वोल्ट आउटपुट सपोर्ट करता हो।
इनमें आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। एक बार जब फुल्ली डिस्चार्ज हो गए थे, मैंने 10 मिनट के लिए बस को चार्ज किया, उसके बाद 100% वॉल्यूम में मैंने म्यूजिक प्ले किया तो अराउंड 50 मिनट्स तक चले थे। दैट मींस फास्ट चार्जिंग भी कुछ हद तक है इनमें। पर एक चीज है कि इन्हें फुल चार्ज होने में बहुत टाइम लगता है। मैंने देखा कि बस को फुल चार्ज होने में 1 घंटा 15-20 मिनट के आसपास लग गए थे और केस को फुल चार्ज होने में 2 घंटे के आसपास लग जाते हैं, तो फुल चार्जिंग थोड़ा स्लो है इनका। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो होता है म्यूजिक। तो देखिए नॉइस के मैंने नॉर्मली जितने भी ईयरफोन्स टेस्ट किए हैं मुझे बहुत कम ही अच्छे लगे हैं, 1 या 2 ही अच्छे लगे थे। ड्राइवर्स अच्छे रहते हैं, चिपसेट अच्छा रहता है, सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन जो ऑप्टिमाइजेशन रहती है ना साउंड की वो नहीं रहती है नॉइस की। इनमें जो इनबिल्ट ड्राइवर्स आपको दिए हैं नॉइस ने वो है 10 mm के ड्राइवर्स, और आपको कोडेक्स में भी SBC और AEC दोनों कोडेक्स का सपोर्ट मिलता है। बाय डिफॉल्ट जो आपको साउंड सिग्नेचर दिया है नॉइस ने वो है एक्स्ट्रा बेस साउंड सिग्नेचर, तो बेस तो इनकी काफी है लेकिन आपको कहीं ना कहीं बैलेंस की कमी लगेगी। तो बेस मैं दूंगा 4.5/5, बेस अच्छी है, ड्राइवर्स पावरफुल है, ट्रेबल्स और वोकल्स मैं दूंगा 4.2/5। अब आप पूछोगे कि अगर मैंने इसे खरीद लिया है तो क्या आप इसे इम्प्रूव कर सकते हो, तो हाँ आप एक चीज कर सकते हो, आप वेवलेट यूज करो, वेवलेट में ऑटो EQ मोड यूज करो, उसमें आप एयरपॉड्स प्रो सेलेक्ट कर लो जिसपे आपको उसकी जो फ्रीक्वेंसी ग्राफ है ना आपको बेस लेवल थोड़ा कम लगेंगे और फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बूस्टर लगेंगी, उसके बाद काफी इंप्रोवाइज हो जाता है साउंड इसका। लाउडनेस तो नो डाउट बहुत अच्छी है इसकी, मैं 50-60% में सुना था। तो अगर आप मुझे पूछो कि आप म्यूजिक लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, तो देखिए म्यूजिक लिए मैं ऐसे आउट ऑफ बॉक्स रिकमेंड नहीं करता हूँ, ये उतना अच्छा क्वालिटी नहीं है म्यूजिक का, लेकिन आपको थोड़ा बहुत सेट करना पड़ सकता है अपने अकॉर्डिंग। अब आते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो माइक का होता है। तो नॉइज अपना एक USP बता रहा है कि एक क्वाड माइक डिजाइन है, उसका मतलब यही हुआ दोनों बर्ड्स में दो दो माइक्स है, तो टोटल 4 माइक्स आपको मिलते हैं। इनमें आपको एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन भी मिल जाता है जो कि अराउंड 25 डेसिबल्स तक की साउंड ब्लॉक करता है बाहर की। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन और एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन में डिफरेंस होता है। एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन होता है आप जो ईयरबड्स को वेयर करते हो, तो वेयर करते हो नॉइज आइसोलेशन कितनी बाहर की हो रही है एक्टिवली, उसे बोलते हैं एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। ENC होता है फॉर माइक, आप जब कॉल्स लेते हो तो बाहर की नॉइज कितने फिल्टर कर रहे हो वो होता है ENC। आप पहले माइक टेस्टिंग देखो, आपको आइडिया हो जाएगा। अब मैं आपसे इनके माइक से बात कर रहा हूँ, देखिए मेरा आवाज कैसी आ रही है, आपको नजर नजर होगा इनके माइक कैसा काम करता है। नॉर्मल कंडीशन में डुअल माइक डिजाइन है, दोनों बर्ड्स में दो दो माइक है, तो काफी लाउड पिक करते हैं आवाज को। मैं आपको धीरे बात करके भी दिखा देता हूँ, आप चलते हैं नॉइजी कंडीशन में देखते हैं कैसे काम करते हैं। कैमरा माइक देख लो इन्हीं कंडीशन में कैसे काम कर रहे हैं, कैमरा माइक है आपको अंदर मिल रहा होगा मेरी आवाज कैसी आ रही है। तो अगर हम चलते हैं ईयरफोन्स के माइक, ईयरफोन्स का माइक देख लो इन्हीं कंडीशन में काम कर रहा है, आपको मेरी आवाज कैसी आ रही है, तो वो रिसेंसर पर चला होगा कितना माइक कैसे काम कर रहा है, अभी तो इसका बहुत बेहतरीन लग रहा है। तो ये इनका माइक कैसे क्लियर कर सकते हैं, तो आपने इनका माइक देखा कि नॉर्मल कंडीशन में तो डिटा काम कर रहे थे, लेकिन नॉइजी कंडीशन में मैंने देखा कि मेरी आवाज तो पिक कर रहे थे लेकिन बैकग्राउंड में भी नॉइज आ रही थी। अब बात करते हैं गेमिंग की, तो इस पे कोई डेडिकेटेड गेमिंग मोड नहीं है, तो आपके पास डिवाइस कौन सी उस पर टोटली डिपेंड करेगा। मेरे पास सैमसंग टैब है, सैमसंग टैब में मुझे डिले बहुत ही कम मिल रहा था, और मेरे पास MI का फोन है उस पर अच्छा खासा डिले मिल रहा था, तो ये डिपेंड करेगा आपके पास डिवाइस कौन सा है। आप गेम टेस्ट देखो आपको आइडिया हो जाएगा। ये था इसका गेमिंग सेक्शन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इश्यूज और डिसएडवांटेजेस की। तो पहला एक इश्यू मैंने नोटिस किया कि इनका जो इंस्टेंट वेक एंड पेयर सपोर्ट है ना, आप जो केस को खोलते हो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है अपनी डिवाइस के साथ, ये परफेक्ट नहीं है, कभी कभी ये ठीक से काम नहीं कर रहा था। मेरे केस में मैंने एक बार नोटिस किया कि ये फिर से पेयरिंग मांग रहा था मेरे डिवाइस के साथ, आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ऐसा हुआ मेरे साथ। साउंड ऑप्टिमाइजेशन में कमी है, बेस बहुत ज्यादा है जो कि ट्रेबल्स को ओवरपावर करती है और एक बैलेंस नहीं मिलता आपको, तो साउंड क्वालिटी में भी इश्यू है। माइक और अच्छे इसके हो सकते थे, माइक में भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है इनमें। अगर आप मुझे पूछो क्या मैं रिकमेंड करूंगा, तो देखिए इस प्राइस में मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि इस प्राइस में इससे अच्छा मैं OnePlus के Buds Z ले लूंगा, वो ज्यादा बेटर है, उनमें मुझे कंपेनियन ऐप का सपोर्ट मिलेगा, फ्यूचर अपडेट्स का एक स्कोप रहेगा, माइक्स इनसे बेटर है उनके,
बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट सिमिलर है और बाकी परफॉर्मेंस इनसे अच्छा है तो ये मैं क्यों लूंगा, तो मेरी तरफ से टोटली नो है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे पेयर कैसे करना है, आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिलते हैं। तो पेयर करने के लिए आपको बर्ड्स को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस केस को ओपन करोगे तो ये ऑटोमेटिक पेयरिंग में चल जाएंगे। इन केस अगर नहीं जाते हैं और आपको अगर पॉपअप नहीं आता आपके फोन, उस केस में आप क्या कर सकते हो, इसके पीछे एक बटन दिया हुआ है, ये नॉइस की जो ब्रांडिंग है इसके जस्ट ऊपर एक बटन है, आप इसे अगर प्रेस करके रखते हो अराउंड 2 सेकंड्स के आसपास तो ये पेयरिंग मोड में चल जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, तो अगर मैं बटन प्रेस करके रखूंगा तो देखिए इस तरह से ब्लिंक करने लग जाएंगे, दैट मीन्स अब ये पेयरिंग मोड में है। अपने टैब या फोन के ब्लूटूथ पे जाएंगे तो देखिए मुझे वैसे भी फास्ट पेयरिंग सपोर्ट है तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो गया है कि बर्ड्स प्ले है, तो मैं यहीं से कनेक्ट करता हूँ। तो देखिए डिवाइस कनेक्टेड बता रहा है, मींस कनेक्ट हो चुका है, तो गूगल की फास्ट पेयरिंग काम कर रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखिए सिलिकन्स बर्ड्स प्ले कनेक्ट हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मोनो मोड भी काम करता है। मैं राइट वाला बर्ड निकालता हूँ केस से और केस को बंद कर देता हूँ, तो देखिए कोई डिस्कनेक्शन नहीं हुआ, मीन्स राइट वाला बर्ड अभी भी कनेक्टेड है। तो अब मैं इसी तरह से लेफ्ट वाला निकालता हूँ और राइट वाले को केस में रख के बंद कर देता हूँ, तो देखिए अभी भी कोई डिस्कनेक्शन नहीं हुआ। तो इसका ये मतलब है कि लेफ्ट वाला भी कनेक्टेड है, लेकिन एक चीज आप देख रहे होंगे दोबारा मुझे कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो ये एक मैंने इशू देखा। आप देख रहे होंगे लेफ्ट वाला बर्ड भी कनेक्टेड, दैट मीन्स मोनो मोड काम कर रहा है। तो आप देखिए SBC और AAC कोडेक का सपोर्ट है और AAC में कनेक्टेड है। अब जैसे कि म्यूजिक प्ले हो रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया इस पे आपको वेयर डिटेक्शन मिलता है, दोनों बर्ड्स पे कैपेसिटिव सेंसर्स हैं, तो अगर आप इन्हें वेयर करके रखते हो तो आपका जो भी म्यूजिक है वो प्ले होते रहता है, और अगर इसे हटा देते हो ईयर से तो पॉज हो जाता है। तो कुछ इस तरह का फंक्शन आपको मिलता है, देखिए पॉज हो गया और फिर से टच करता हूँ, देखिए प्ले होने लग गया। तो वेयर डिटेक्शन इस तरह से काम करता है। तो जब म्यूजिक प्ले हो रहा है अगर आप सिंगल टैप करते हो राइट वाले को तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लेफ्ट वाले से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो अगर डबल टैप करते हो किसी भी बर्ड पे तो प्ले पॉज होगा म्यूजिक, देखिए। नेक्स्ट ट्रैक में जाने के लिए राइट वाले को टैप करके रखेंगे, प्रीवियस ट्रैक में जाने के लिए लेफ्ट वाले को टैप करके रखेंगे, और गूगल असिस्टेंट ऑन करने के लिए किसी भी बर्ड पे ट्रिपल टैप करेंगे, देखिए। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूं कि अगर वेवलेट यूज करते हैं तो आपको कौन सा इक्वलाइजर प्रीसेट यूज करना चाहिए जिससे आपको थोड़ी ऑप्टिमाइज म्यूजिक क्वालिटी मिलती है। तो मैं अभी यूज कर रहा हूँ ऑटो यूकी मोड में, और मैं यूज करता हूँ एप्पल एयरपॉड्स प्रो। तो अगर आप ये फ्रीक्वेंसी यूज करोगे तो आपकी बेस थोड़ी कम हो जाएगी और ट्रिपल्स थोड़ी बूस्ट हो जाएंगे और काफी अच्छी क्वालिटी साउंड मिलेगी, इसके बाद आपको बस इसे ऑन कर देना है। तो ये थे इसके कंट्रोल्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं कंफर्ट लेवल की, तो हालांकि ये इन ईयर डिजाइन है लेकिन स्टिल ये कंफर्टेबल है। बस एक इशू मुझे लगा था कि ये बीच बीच में ना थोड़े स्लिप आउट हो जाते हैं ईयर से, तो अगर आप लॉन्ग आर्स के लिए यूज करोगे तो बीच बीच में आपको दोबारा इन्हें सेट करना पड़ सकता है, मेरे केस में ऐसा हो रहा था, तो ये एक इशू था इनके साथ। लेकिन ऐसे कंफर्टेबल ठीक है इनका, लॉन्ग आर्स के लिए कुछ ऐसा डिस्कम्फर्ट आपको फील तो नहीं होता है। मैं आपको दिखाता हूँ वेयर करके, आपको आइडिया हो जाएगा। तो आपको मैं पहले राइट वाला वेयर करके दिखाता हूँ, तो राइट वाला आपको ऐसे इंसर्ट करना है और बस यहीं पर लॉक हो जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे भी नहीं, ये इसकी मैक्स पोजीशन है। तो स्टेम वाला डिजाइन आप देख रहे होंगे स्टेम कैसा दिख रहा है ये उसमें, इसी तरह लेफ्ट वाला बस इंसर्ट करना है और ऐसे ये उसमें छोड़ देना है। तो देखिए इस तरह से लॉक हो जाते हैं ये उसमें, तो फिटिंग में मुझे कुछ खास इश्यूज नहीं लग रहा। तो देखिए किस तरह से दिखते हैं ये उसमें, काफी सही दिखते हैं ये उसमें। नॉइज आइसोलेशन की अगर बात करूं तो मैं बोल सकता हूं बाहर की 80-90% ब्लॉक हो रही है आवाज, तो यहां कोई कंप्लेंट्स नहीं है, और स्टेबिलिटी भी अच्छी है। देखिए स्टेबल भी काफी है, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी आराम से कर पाओगे इनको यूज करते हुए, तो यहाँ कोई कंप्लेंट्स नहीं है। तो ये था मेरा रिव्यू इस नॉइस के बर्ड्स प्ले ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स का। होप आपको आइडिया हो गया हो कैसे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस लाते रहता हूँ। और आपको कुछ भी क्वेरी हो प्लीज कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।